नमस्कार। एक डिटेल्स दी आपने बच्चे की। 30 जून 2019 को ये बच्चा पैदा हुआ है, दोपहर को 1:39 पुणे में। जिस समय बच्चा पैदा हुआ, लग्न उदय हुआ कन्या। ये कन्या लग्न है और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, यानी लग्न का मालिक बुध और राशि का मालिक शुक्र। अब बहुत अच्छा संयोग इस कुंडली में के लग्नेश दशमेश द्वितीयेश भाग्येश, यानी आपके धन का मालिक, कुटुंब का मालिक, लगन का यानी शरीर जिसको आप भोग रहे हैं उसका मालिक, कार्य प्रगति देने वाला मालिक यानी 10th हाउस का मालिक, कर्म का मालिक और भाग्य का मालिक, और इत्तेफाक से ये आपके लग्न और राशि के मालिक भी हैं। बहुत सुंदर राजयोग में बैठे हुए हैं। वो राजयोग है यहाँ सूर्य, ओ सॉरी, शुक्र और बुध का, क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं बुध की राशि में और बुध बैठे हुए हैं लाभ भाव में। तो एक राजयोग की परिभाषा में देखें तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। लगन और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो आपसे मित्रता रखते हुए हैं। यहाँ पर बुध को देखिए, ये 9 का घर का मालिक 10वें में, 10वें घर का मालिक 11वें में। तो ये स्थिति अच्छी स्थिति कहलाती है, कोई ख़राब स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ 10वें घर में बैठा हुआ है आपका भाग्येश, स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य और राहु की। सूर्य मिथुन राशि में होते हुए कर्क राशि की तरफ मूवमेंट कर रहा है और राहु मिथुन में मूवमेंट करते हुए वापस पीछे की तरफ जा रहा है। यानी सूर्य और राहु का जो ये योग है इस कुंडली के अंदर, इसको कहते हैं ग्रहण दोष, क्योंकि यहाँ डिग्री का अंतर बहुत कम है। 23 डिग्री का राहु है, सूर्य 14 डिग्री का है, तो ये 10th हाउस में ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य द्वादशेष हैं, दशम में बैठे हैं। 10वें घर में अगर ग्रहण दोष बनता है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल कराता है। यानी अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में आप ध्यान रखना, जब इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या 18 वर्ष के ये हो जाएं, तो इनके लिए ग्रहण दोष की एक पूजा आप ज़रूर कराएं। चौथे घर में शनि केतु के साथ हैं, दो अशुभ ग्रह चौथे घर में बैठे हैं। शनि षष्ठेश होके बैठे हैं, केतु भी बैठे हैं, और ये दोनों जिसकी राशि में बैठे हैं वो बृहस्पति है, और बृहस्पति बैठा अपनी राशि से द्वादश में। यानी ये स्थिति घर होते हुए भी घर के सुख में कमी देती है। साथ ही साथ शनि और केतु हेल्थ इश्यूज देने में भी सक्षम है। घर के सुख में कमी की बात का मतलब है बच्चे के पास अपना घर है, परिवार है, लेकिन उसको किसी ना किसी कारण से, हो सकता है एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, घर से दूर जाना पड़े, तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, चतुर्थेश होके द्वादश अपनी राशि से 12वें घर में है। ये स्थान परिवर्तन और यात्राएं, दूर की यात्राएं कराने में सक्षम है। साथ ही साथ भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। सप्तमेश होके सप्तम को देखते हैं, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी की प्राप्ति होगी, पत्नी से सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ टूर ट्रैवलिंग्स और यात्राएं भी मिलेंगी, पद प्राप्ति होगी। इसको यहाँ चंद्रमा भी देख रहा है बृहस्पति को। चंद्रमा लाभेश है, यानी यात्राओं से लाभ होगा। अब लाभ भाव का मालिक बैठा भाग्य स्थान में उच्च का, यानी ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति। तो आप देखिए इस हॉरोस्कोप में ट्रायंगल बना हुआ है। ये प्लेनेट यहाँ गया शुक्र, यहाँ का प्लेनेट गया बुध यहाँ, और ये वापस आ गया चंद्रमा यहाँ। तो इस प्रकार का बहुत अच्छा ट्रायंगल जब भाग्य, कर्म और लाभ से जुड़ जाता है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशंस किसी भी कुंडली के लिए मानी जा सकती है। मंगल बुध का संयोग व्यक्ति को स्वभाव में चतुरता देता है। आपका लग्नेश है, दशमेश है, राजयोग बना रहा है, बुध के मंगल के साथ है, चातुर्यता देता है, स्वभाव में तेजपन देता है। साथ ही साथ तृतीयेश मंगल भी है साथ में, तो ये स्थिति आपको यात्राओं से लाभ देगी। अष्टमेश के साथ हैं, अचानक से लाभ के स्थिति योग, या ऐसे लोगों को अचानक से लाभ प्राप्त हो जाते हैं, झटके का धन मिलने की स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा यहाँ पीड़ित नहीं है। जब चंद्रमा पीड़ित नहीं होता, लगन पीड़ित नहीं होता है, लग्नेश पीड़ित नहीं होता है, तो ये स्थिति एक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है। साथ ही साथ व्यक्ति जीवन में
अच्छे भोग भोगने में सक्षम होता है। नवांश में देखिएगा आप तो बुध उच्च के होके लग्न में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र स्वराशि के होकर बैठे हैं, सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं, मंगल अपने घर को देख रहे हैं, शनि अपने घर को देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्लैनेट की पोजीशन अपने आप में बेहतर नवांश में भी हुई है। चंद्रमा की महादशा में ये बच्चा पैदा हुआ और चंद्रमा लाभेश होके उच्च का होके भाग्य स्थान में है, यानी ये स्थिति घर परिवार के लिए अच्छी, पिता के लिए बच्चा भाग्यशाली है, पिता को लाभ देने वाला है। चंद्रमा उच्च का है और दशमा नवांश में भी कोई खराब स्थिति में नहीं है, भले ही मंगल की राशि में, लेकिन शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट है। तो चंद्रमा की दशा भी आप देखिए, क्योंकि लग्न भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है और चंद्रमा 2027 तक चलेगा, यानी इनके जीवन के 8 वर्ष तक की अवस्था तक चंद्रमा की दशा चलेगी, उसके बाद आएगी मंगल की दशा। अब मंगल की दशा 8 वर्ष से 15 वर्ष तक चलेगी। मंगल हैं तृतीयेश अष्टमेश नीच के होके लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा समय होगा जो आपको हेल्थ इश्यूज देगा, लेकिन ये व्यक्ति के स्वभाव में अचानक से परिवर्तन, उद्दंडता, क्रोध करना, बहुत ज़्यादा शरारत करना शुरू कर देना, किसी की बात ना सुनना, स्वभाव में जिद्दपन आ जाना, ऐसा मंगल की दशा के अंदर बहुत हद तक संभव होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उस दौरान आप संपर्क करना, तो इनके लिए कोई पूजा पाठ बड़ी बताएंगे। अब बात आती है 15 वर्ष से आगे की, के मंगल के बाद दशा राहु की आ रही है। राहु 10th हाउस में, दशम भाव में राहु पंचमेश शनि से दृष्ट है, शनि से इसका कनेक्शन बनता है। यहाँ राहु द्वादशे सूर्य के साथ हैं तो नवमेश शुक्र के साथ भी है। क्वालिफिकेशन भी दिखाई देती है, घर से दूरी भी दिखाई देती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिखाई देती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दिखाई देती है। तो राहु की दशा जो 18 साल के लिए जीवन में आ रही है, क्योंकि राहु बुध की राशि में, बुध एकादश भाव में बैठे हैं, यानी व्यक्ति अपनी एजुकेशन से प्राप्तियां करेगा, उसकी एजुकेशन उसके जीवन में काम में का इस्तेमाल होगी। यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग एजुकेशन कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन के साथ साथ कार्य करने की स्थिति भी दर्शित हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ऐसे लोग, क्योंकि इनके राहु की दशा है, इनको अभी राहु की दशा आएगी बाद में, 15 वर्ष की उम्र से चलेगी, 33 साल की उम्र तक आएगी। तो 15 वर्ष से लेके 33 साल की उम्र तक राहु की पोजीशन, आप राहु को देखिए, यहाँ भाग्य स्थान में है, अच्छा है, दशमांश में 12th हाउस में, शनि की राशि में, शनि छठे घर में। अब ये स्थिति व्यक्ति को घर से दूर ले जाएगी, संभवतः विदेश में भी ले जा सकती है, पढ़ाई के लिए भी दूरी, प्रोफेशन के लिए भी दूरी, के पढ़ाई के बाद नौकरी लग गई और आप व्यक्ति जीवन में दूर स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि प्योर टेक्निकल एजुकेशन है। कभी कभी ऐसे लोग इंजीनियरिंग पढ़ के भी बहुत अच्छी स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो राहु की दशा भी बहुत अपने आप में बेहतर है। हेल्थ वाइज कोई भी बड़ा इशू मुझे आपके चार्ट में नज़र नहीं आ रहा है। करियर के फील्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं दिखती। बात करते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, इस कुंडली में बड़े अच्छे चांसेस हैं सरकारी नौकरी के, ऐसे लोगों को बड़े पदों पर आसीन होते मैंने देखा है। इनको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, IAS PCS ऐसे भी कॉम्बिनेशन इस चार्ट के अंदर दिखते हैं, क्योंकि राजयोग बहुत सारे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है सरकारी नौकरी की, इनकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करानी चाहिए, क्योंकि राहु की दशा में मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु कर्म देने वाला प्लेनेट है, भाग्योदय करने वाला प्लेनेट है, लाभ देने वाला, भाग्य को जगाने वाला प्लेनेट है। मैरिड लाइफ वाइज बात करते हैं, इस हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ नहीं है। बाकी इनकी पत्नी के कुंडली पर ये स्थितियाँ ज़्यादा निर्भर करती हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। अभी राहु में बुध 2042 से 2045 के बीच में राहु में बुध आएगा, और 42 का मतलब हो गया लगभग लगभग 19 और 23, हाँ बहुत, ये राहु में बुध की दशा आएगी आपको नवंबर से, 42 से जून 45, ये शादी के लिए एक बहुत अच्छा समय इसको इस कुंडली के लिए होगा। बहुत हद तक देखने में लगता है कि किसी जानकारी में,
विवाह होने के बहुत अच्छे ज़्यादा संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, शादी का समय भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। हॉरोस्कोप ओवरऑल देखें तो ठीक है, कभी कभी आपको इनके स्वभाव को देख के लगेगा कि पता नहीं ये बच्चा व्यक्ति जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। फिलहाल की स्थिति को देखकर कोई बड़ा उपाय या बड़ी परेशानी मुझको इंगित नहीं होती है। बस मंगल जो कि बुध के साथ हैं, तो हनुमान जी से संबंधित पूजा या बच्चे को हनुमान मंदिर ले जाओ, सब मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़वा दो बच्चे के हाथ से, उनके दर्शन मात्र ही करा दो तो बढ़िया। माता अपने बच्चे को गोद में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। तो ये सब रेमेडी हैं छोटी छोटी जो बच्चा कर सकता है, बाकी किसी प्रकार की परेशानी की कोई ज़रूरत स्थिति इसमें दिखाई नहीं दे रही है। आपके सवालों के जवाब भी मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट ठीक है, चार्ट मैं कोई भी कुंडली हो उसको जब बेहतर मानता हूँ जब सही समय पर सही दशा मिल जाए। कुंडली में राजयोग बना रहा है राहु, राहु की दशा समय पर मिल रही है, उसके बाद बृहस्पति आ रही है 16 साल की, वो भी बढ़िया, उसके बाद शनि आ रही है, तो राजयोग धनयोग देने वाले ग्रहों की दशाएं सही समय पर मिल जाएं तो कुंडली बढ़िया है, और यदि उन ग्रहों से संबंधित दशाएं सभी समय पर नहीं मिलती हैं तो कुंडली फिर बेकार है। तो ये कुंडली अपने आप में बेहतर है, ईश्वर कृपा से बच्चा जीवन में तरक्की करेगा। नमस्कार।